हाँ जी, देखो आप, क्वेश्चन नंबर आपके बुक का 23। सबसे पहले क्या गिवन है आपको? कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, कैश इन हैंड अमाउंट 8,000। नेक्स्ट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लैंड और बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है? लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट अमाउंट बताओ कितने का है? चालीस हजार। क्या इसके ऊपर एडजस्टमेंट है? नहीं है, है। इसलिए मैंने इसे मैंने कहाँ लिख दिया? इनसाइड में। नेक्स्ट क्या गिवन है? प्लांट एंड मशीनरी। क्या इस पे एडजस्टमेंट है? प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 20,000। नेक्स्ट क्या है? डेटर पे तो एडजस्टमेंट होता ही होता लगभग है। डेटर कितने का है? 25,000। इधर बोर्ड पे ध्यान से देखो आप, क्रेडिटर, क्रेडिटर 60,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 10,000। इस पे एक एडजस्टमेंट इसलिए अंदर लिख रहा हूं। इसके बाद 15% इन्वेस्टमेंट, 15%। इसके आगे डेट भी है क्या? इन्वेस्टमेंट किस डेट पे? 1/4/16। अमाउंट 20,000। नेक्स्ट परचेज एंड सेल्स। परचेज लिखेंगे यहां पे अमाउंट 95,000। सेल्स आएगा बाय साइड में, बाय सेल्स अमाउंट 1,90,000। नेक्स्ट क्या है? बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल। बिल्स पेबल बताओ अमाउंट 15,000, और बिल्स पेबल 21, और बिल रिसीवेबल 15,000। इधर देखो आप, खड़े हो जाओ, पीछे जाओ आप, पीछे बैठो, आपसे बोल रहा हूं मैं, या फिर आगे बैठो आप। विशाल इधर आके बैठो फटाफट। अरे इधर आके बैठो। बिल रिसीवेबल 15,000, बिल्स पेबल 21,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? वेजेस। अगली क्लास से जिस बच्चे का बुक नहीं हुआ एंट्री नहीं दूंगा मैं। वेजेस अमाउंट बताओ 8,000 रुपीज। इस पे क्या एडजस्टमेंट है? है, ये वेजेस में, इनसाइड में। नेक्स्ट क्या है? सैलरी। सैलरी पीएनएल में जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं सैलरी अमाउंट 16,000। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स यहां पे आएगा, रेंट एंड रेट्स अमाउंट 15,000। क्या इस पे भी एडजस्टमेंट है? सैलरी और रेंट एंड रेट्स पे है कोई एडजस्टमेंट? नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग। सबसे पहले मैं यहां कैपिटल लिख लेता हूं, और इसमें से लेस ड्राइंग होगा। अमाउंट क्या है? 5,000। इसके बाद कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड पीएनएल का पार्ट होता है हमारा। कैरिज आउटवर्ड अमाउंट 6,000। नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कस्टम ड्यूटी अमाउंट 16,000। नेक्स्ट पेबल। कस्टम ड्यूटी और वहां पेबल वर्ड लग गया तो ये बन जाएगा लाइबिलिटी।
कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट 25,000। इसके बाद फायर इंश्योरेंस क्लेम या प्रीमियम, प्रीमियम तो इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट 15,000। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, इस पे एडजस्टमेंट है 9,000। नहीं, अमाउंट क्या है 20,000। नेक्स्ट ट्रायल में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अमाउंट 2,000। नेक्स्ट बैड डेट्स ट्रायल में है तो डेबिट में लिखेंगे 2,000, क्योंकि देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको क्रेडिट में दे रखा होगा ट्रायल में, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया। बैड डेट्स डेबिट में दे रखा था तो डेबिट में लिख दिया। क्या 6,000 बैड डेट्स 6,000 है। इसके बाद इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट रिसीव है पेमेंट है बाय इंटरेस्ट 2,000। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है अमाउंट 20,000। इसके बाद कैपिटल अमाउंट 60,000। इसके बाद अब एडजस्टमेंट देखते हैं, यानी सारा का सारा ट्रायल बैलेंस का आइटम मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर वन कहता है स्टॉक 31 मार्च 2017 का 60,000 है, कैपिटल बहुत कम दे रखा है इसमें, 60,000 क्लोजिंग स्टॉक है। और यहां आ जाएगा एक क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की कहां करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसे और बड़ा कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। इसके बाद नेक्स्ट गिवन है बिल रिसीवेबल इंक्लूड 4,000 विच हैज बिन बिकम बैड। बिल रिसीवेबल में कहता है 4,000 विच हैज बिन बिकम बैड, जिसका पैसा मिल नहीं पाया तो 4,000 बिल रिसीवेबल में है, तो यहां से माइनस कर देते हैं 15,000 माइनस में बैड बिल रिसीवेबल कितने का, यानी ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा, ये बच गया 11,000। इसके साथ साथ नीचे देखो तो आप डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, वो बैड डेट्स क्या कहता है हमारा, जो बैड डेटर के ऊपर देता है वो डेटर के ऊपर क्या है हमारा, बैड डेट्स रिकवर है, बैड डेट्स हमारा रिकवर है, और बैड डेट्स रिकवर कितने अमाउंट का दिया हुआ है हमें 500। तो ये उससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है और ये वाला पार्ट हमारा अलग होगा। हाँ डबल एंट्री कर रहे हैं, वही मैं बता रहा हूं। अब एक होता है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अगर डिसऑनर्ड होता बिल रिसीवेबल तो यहां से तब भी माइनस होता, क्वेश्चन में बैड दे दिया तब भी माइनस हुआ, लेकिन डिसऑनर्ड वाले केस में वापस एड हो जाता है डेटर में जाके, क्योंकि यहां पे बैड बोला हुआ तो वापस ऐड नहीं करेंगे, यहां पे बिल रिसीवेबल बैड डायरेक्ट आ जाएगा 4,000। तो देख लो आप बिल रिसीवेबल पे इससे पहले जो एडजस्टमेंट देखा था आपने वो क्या होता था हमारा एडजस्टमेंट, जनरली वो होता था बिल रिसीवेबल डिसऑनर, तो डिसऑनर के केस में यहां से माइनस और डेटर में प्लस, क्योंकि बिल रिसीवेबल जब भी डिसऑनर्ड होगा डेटर बन जाएगा। दूसरी एंट्री यहां पे बिल रिसीवेबल बैड हो गया कितने का, 4,000 रुपए। अगर डिसऑनर्ड होगा तो दोनों एंट्री बैलेंस शीट में, लेकिन अगर इसमें बैड बोला हुआ है तो एक प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा खर्चे में, और एक चला जाएगा हमारा यहां से माइनस होके। इसके बाद कहता है सेल्स ऑल्सो इंक्लूड फर्नीचर 1/4/2016 को 10,000, बुक वैल्यू 12,000, और कहता है सेल्स में हमने
एक फर्नीचर बेचा था 10,000 रुपए का जो कि जुड़ा हुआ है, तो माइनस कर देते हैं सेल ऑफ कितने का, 10,000 का, लेकिन उसका बुक वैल्यू पता है कितना था, तो यहां से बुक वैल्यू माइनस होगा क्योंकि सेल्स अगर फर्नीचर करा है तो हमारा सेल्स का पार्ट नहीं होता। अब 10,000 रुपए जुड़ा हुआ था, इसका मतलब मैंने कितने का बेचा था, 10,000 का, और था कितने का, 12 का, तो 2 का लॉस हो गया, तो लॉस आ जाएगा 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपए। ये एंट्री देखो एक बार आप। डेप्रिसिएशन मैंने इस पे नहीं क्लेम किया, इससे पहले क्वेश्चन किया था नोशनल रेंट, वहां पे डेप्रिसिएशन भी आया था क्योंकि ये 1 अप्रैल को ही डीलिंग हो गया है स्टार्टिंग में, तो डेप्रिसिएशन का कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनता ही नहीं है। अगर मिड में होता तो मैं डेप्रिसिएशन लगा के फिर लॉस प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ पे। वेजेस इंक्लूड 6,000 रुपीज इरेक्शन ऑफ द मशीनरी 1/4/2016, तो वेजेस में से माइनस करो, वेजेस में से माइनस करो कितने का, और मशीनरी में जाके ऐड कर देंगे, मशीनरी ऐड वेजेस 6,000 रुपए। अगली एंट्री को देखते हैं। डेप्रिशिएट मशीनरी 10% और फर्नीचर बाय 20%, तो मशीनरी पे 10% डेप्रिशिएशन लगेगा, तो 26,000 पे लेस 10%, डेटर मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, डेटर 25,000 बाहर, इस पे कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, लेस कर देंगे यहां पे क्या हम, डेप्रिसिएशन 10% इस पे 2600, और फर्नीचर पे कितना है माइनस कर देंगे तो 8,000 पे लेस अगर डेप्रिसिएशन में करता हूं 20%, तो 1600। अब यहां डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन एक तो है हमारा फर्नीचर पे और है 1600, और एक है मेरा प्लांट एंड मशीनरी पे, वो है 2600 है ना, इस पे 2600। ये देखो आप, ये तो सिंपल है, मशीनरी के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लगाना था लगा दिया। एप्रिशिएट बिल्डिंग, एप्रिशिएट का मतलब होता है इंक्रीज होना, तो ऐड कर देंगे यहां पे एप्रिशिएट और कितने परसेंट, 10%, यानी 4,000। सेकेंड एंट्री चला जाएगा आपका पी एंड एल के क्रेडिट साइड में बाय एप्रिशिएट बिल्डिंग, और ये आ गया 4,000, एप्रिशिएट बिल्डिंग आ गया 4,000। इसके बाद अगले एडजस्टमेंट को देखो, पहले लास्ट वाले 7 एडजस्टमेंट को कर लेते हैं। कहता है बैड डेट्स रिकवर 500 टेकन एज अ रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, कहता है बैड डेट्स रिकवर हुआ 500 का, विच वर टेकन एज रिसिप्ट फ्रॉम, जिसको हमने माना है किससे मिला है हमें, डेटर से, और इससे पहले फिर से डेटर पे एक एडजस्टमेंट है। कहता है इंटरेस्ट इंक्लूड 200 रुपए रिसीव फ्रॉम डेटर लेट पेमेंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कहने का मतलब है डेटर से हमें इंटरेस्ट भी मिला है और डेटर से बैड डेट्स रिकवर भी हुआ है, तो डेटर से मुझे इंटरेस्ट कितने का मिला है, 200 का, तो मैं यहां पे तो सबसे पहले लेस कर देता हूं भाई, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट डेटर किसी इन्वेस्टमेंट का नहीं है, इसमें से कुछ डेटर का भी इंटरेस्ट है, वो अमाउंट कितना है, यानी जो अब 1800 बचा है, ये 1800 जो बचा है ये किसका होगा, इन्वेस्टमेंट का, तो ये 200 रुपए डेटर इनकम तो है ही है, तो अलग से दिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट है, क्या है ये, लेट पेमेंट ही है, दो सौ। पहले तो ये एडजस्टमेंट देखो ध्यान से, फिर मैं अगले पे आऊंगा।
कहता है डेटर जो इंटरेस्ट रिसीव है उस इंटरेस्ट में ₹200 डेटर वाला जुड़ा हुआ है, बैलेंस है किसका, इन्वेस्टमेंट का। तो इसका मतलब ₹2000 डेटर का नहीं है, इसमें से 200 मैंने माइनस किया, इससे पता चल गया ये किसका है हमारा, इन्वेस्टमेंट का, और इसको मैंने अलग से लिख दिया। इसका करने का मेन पर्पस क्या था, अब देखो इन्वेस्टमेंट के आगे मैंने लिखा हुआ है 15%, 15% के हिसाब से देखा जाए तो 20,000 रुपए पूरे साल का, क्योंकि स्टार्टिंग में ही है, तो 3,000 रुपए मेरा ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है मुझे, सिर्फ 1800। अगर ये वर्ड नहीं होता ना लेट पेमेंट वाला तो मिल जाता 2000। तो ये कितना मिला, 1800। तो एक्रूड ऐड कर दूं मैं यहां, ऐड एक्रूड कितने का, 1200, ये लो, अब ये हो गया 3000। डबल एंट्री, एक्रूड इंटरेस्ट 1200, ये देखो अब जो ₹200 था उसका मैंने क्या करा, एक तो इंटरेस्ट में से माइनस, क्योंकि सारा का सारा इंटरेस्ट किसी और का है, और उसी को कहां दिखा दिया, उसी साइड में नीचे, और जो इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट का उसको पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया। और 15% कैसे दे रखा है इसके ऊपर, देखो 15% आपका लिखा हुआ है और डेट भी इसके आगे डाला हुआ है, तो इसलिए मैंने इस पर कितने साल का लगाया हुआ है, पूरे साल का मैंने इसके ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखो आप इसमें, यहां तक कोई डाउट, यानी इस क्वेश्चन को करवाने का मेन पर्पस यही एडजस्टमेंट बताना था कि इसके अंदर आपका लेट पेमेंट होगा तो क्या करेंगे। इसके बाद बैड डेट्स रिकवर है, और किससे रिसीव्ड किया है हमने, डेटर से किया है रिसीव्ड। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब बैड डेट्स रिकवर होता है तो हमारा क्या होता है, इनकम, और बैड डेट्स रिकवर की जनरल एंट्री क्या कर सकते हो, क्या होता है बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू, तो एक कैश में प्लस कर देंगे अगर मेरे पास कैश इन हैंड है तो, और दूसरा हम कहां दिखा देंगे, इनकम, क्योंकि इनकम है हमारा, तो इधर आ जाएगा बैड डेट्स रिकवर कितने का, ₹500 का। और नाउ आपका ये कैश में प्लस कर देता हूं, या फिर मैं इधर ही दिखा देता हूं, पहले बैड था क्या ये, डेटर में ऐड है या माइनस है, कहता है बैड डेट्स रिकवर किया इसने, और रिकवर किया लेकिन जो कैश में मिलना था गलती से मान लिया कि इसने किससे मिला है, डेटर से। तो डेटर से जब पैसा मिला है मान लिया होगा तो डेटर को क्या कर दिया होगा इसने, कम। तो अब दोबारा ये रेक्टिफाई कैसे करेगा, इनकम तो है कंफर्म है लेकिन कैश में ना प्लस करके, हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे बैड डेट्स कितने का, ₹500। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, ये यहां से हटा देते हैं। क्वेश्चन में कहता क्या है कि बैड डेट्स 500 रिकवर इनकम है, एग्री, लेकिन वर्ड टेकन रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, और मैंने मान लिया था कि ये रिसिप्ट किससे हुआ है हमारा, डेटर से हुआ, जबकि एक्चुअल ये तो कैश में मिला है। तो जब मैंने डेटर से रिसिप्ट माना हुआ तो डेटर पहले क्या कर दिया होगा मैंने, कम। तो अब रेक्टिफाई करना है, इनकम मान लो इसे, और डेटर को क्या कर दो, दोबारा से इंक्रीज कर दो, यानी इसमें प्लस करके हमने यहां पे दिखा दिया। अब सिंपल, यहां का टोटल परचेज पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और ओवर वैल्यूड ऑफ स्टॉक पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अगर इसमें ओवर वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता तो यहां भी माइनस हो जाता और कैपिटल भी क्या होता, माइनस हो जाता।
ये आ गया 240, माइनस कर दो 240 में से, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया? माइनस करो एक बार फटाफट, माइनस करिए 240 में से ये सारा 10,000, 11, और ये बाय साइड में आ जाएगा बाय जीपी 117, ठीक है। टोटल करते हैं इसको, टोटल करो इसे कितना, बस 126,700, इसका भी 126, और डेप्रिसिएशन आ जाएगा 6,612,400, और टू नेट प्रॉफिट निकाल लो। अब नेट प्रॉफिट माइनस करके चेक करो एक बार, अड़तीस पाँच सौ आ रहा है, 38,500 आंसर है, 38,500, और प्लस नेट प्रॉफिट 38,500, 93,500, प्लस 60,000, 1,99,000, एक 26,000 माइनस में 2,600, 23,400, 44,000, 8,000 में से गए तो 6,400, 1,99,500, ठीक है।